हेलो एवरीवन, आई एम कीर्ति एंड आई स्टडी इन क्लास 10th. सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किया था. ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो हमने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन किया था. अगर आपको अब भी सेकंड क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, सो यू कैन आस्क टू मी बाय कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ मैथ्स ऑफ क्लास 10th. ओके, सो फ्रेंड्स, आप अपनी एनसीईआरटी बुक ऑफ मैथ्स की एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए क्लास 10th की. सो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. मीन्स हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड मीन्स उसकी जो हाइट है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. मीन्स ट्राइंगल की जो हाइट है, दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. ओके, सो मीन्स अगर जो बेस है उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, तो एटीट्यूड या फिर आप कह सकते हो हाइट क्या होगी, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर लेस, मीन्स एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर. ओके, आफ्टर दैट इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और अगर हाइपोटेनियस क्या है हमारा, 13 सेंटीमीटर है, सो फाइंड द अदर टू साइड्स, मीन्स दूसरी दोनों साइड्स कौन सी होगी, हाइट एंड बेस, मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस, यू कैन से. सो चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सो देखिए, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसका बेस हमने एक्स ले लिया. ओके, वी हैव टेकन बेस इज इक्वल्स टू एक्स, एटीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7, मीन्स बेस से 7 कम. यहाँ पे लिख दीजिए एटीट्यूड पे, इट इज़ एक्स माइनस 7, एंड जो हाइपोटेनियस है दैट इज़ 13 सेंटीमीटर. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, सो आफ्टर दैट इट इज़ गिवन दैट कि वी हैव टू फाइंड द अदर टू साइड्स, मीन्स ये दोनों साइड्स निकालनी है, इनकी मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है एक तरीके से हमें, ठीक है. सो चलिए निकालते हैं. सो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, उसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस 13 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट. सो 13 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस. अब यहाँ पे जो है आइडेंटिटी लगेगी. ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, 169 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़. अब देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर. वट इज 7 स्क्वायर, दैट इज़ 49. आफ्टर दैट माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 मीन्स 14x. ओके, आफ्टर दैट 169 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x² प्लस 49 माइनस 14x. ओके, अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, राइट. तो हमने इसको इधर वाली साइड शिफ्ट कर दिया है. सो अब देखिए, हम इसको जो 169 है इसको इधर ले आते हैं, सो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब आप देखिए, 2x² माइनस 14x, अब प्लस 49 माइनस 169 इज़ इक्वल्स टू माइनस 120 इज़ इक्वल्स टू 0. अब देखो, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 2 कॉमन ले लेते हैं, दैट इज़ माइनस 7x माइनस 60 इज़ इक्वल्स टू 0. अब इस टू को इधर भेज देते हैं, तो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 0.2 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो ये कैंसिल हो गया. आफ्टर दैट, सो मीन्स हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई, दैट इज़ x² माइनस 7x माइनस 60 इज़ इक्वल्स टू 0. दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, ठीक है. अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मीन्स आप बेस और हाइट निकालना चाहते हैं, एटीट्यूड पर पेंडिकुलर वट एवर दैट इज़ वो निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मिडल स्प्लिट की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. इज़ इट क्लियर टू यू? अगर आपको मिडल स्प्लिट नहीं आती है, तो आप सबसे पहली वाली वीडियो, दैट इज़ एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, आप इजीली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आप इसको आंसर शीट से मैच करना चाहते हैं, तो आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं. क्लियर?
लेकिन जो एक्सरसाइज 4.2 है उसकी आंसर शीट में एक्स की वैल्यू निकाली हुई है शायद, अगर निकाली हुई है तो आप निकाल लीजिए, वरना आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पे सीधा पूछा गया है ना कि बेस और हाइट बतानी है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ मिडल स्प्लिट। ओके, सो ये तो आप कर लोगे। अगर आपको कोई क्वेरी है मिडल स्प्लिट में, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इज एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। सो एनसीईआरटी बुक में देखिए अपनी, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। मीन्स एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो हर एक दिन कुछ पॉटरी आर्टिकल्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, मीन्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि हर एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। मीन्स सपोज इसमें कहा गया है कि सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे अगर एक्स है, ठीक है, तो हर दिन जो कॉस्ट आ रही है ना वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस प्लस 3 मोर देन, मीन्स ट्वाइस मतलब 2x प्लस 3, मीन्स जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 2x प्लस 3। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर एक दिन में एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनकी कॉस्ट आ रही है ट्वाइस ऑफ दैट आर्टिकल नंबर प्लस 3 मोर देन, मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3। ओके, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ डे वॉज 90 रुपीज़, अगर एक दिन में टोटल प्रोडक्शन 90 रुपीज़ की हुई, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं दैट वी हैव टू फाइंड एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स द कॉस्ट ऑफ द ईच ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। सो देखिए, अगर हम देखें तो लेट हम लिख सकते हैं लेट अ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ वन डे दैट इज एक्स, ठीक है, मींस आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में दैट इज एक्स। ओके, एंड प्रोडक्शन कितना है फिर वो लिखेंगे, उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है दैट वी हैव टू राइट। अब देखिए, टोटल प्रोडक्शन कितने गिवन है कि एक दिन में इतने टोटल इतने रुपीज़ जो है इतने रुपीज़ के आर्टिकल्स बिक रहे हैं दैट इज़ रुपीज़ 90, क्लियर। अब देखिए आर्टिकल को अगर हम एक्स मान ले तो प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्लस 3 मोर देन मीन्स 2x प्लस 3, ठीक है, एंड टोटल जो कॉस्ट दी गई है दैट इज़ रुपीज़ 90, राइट। सो देखिए, अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई किससे कर दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कर दे, सो वी कैन गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, राइट। सो देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एक्स है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हमने अज्यूम की है, 2x प्लस 3, तो फिर एंड टोटल कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 90, राइट। तो यहाँ से अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इंटू एक्स दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल्स टू रुपीज़ 90। आफ्टर दैट यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब 90 को धर लिया ये माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब मिडल स्प्लिट की हेल्प से x की वैल्यू निकालिए। चलो एक बार मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। सो हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई थी, राइट। तो अब इसको मिडल स्प्लिट से सॉल्व करना है। मिडल स्प्लिट का मतलब होता है लास्ट जो डिजिट है, मींस जो थर्ड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, मींस 92 जा, राइट। फिर 92 जा जितने भी आएंगे 180 आएंगे, राइट। फिर 180 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको मल्टीप्लाई कर, ऐसे टू नंबर मतलब ऐसे टू फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 180, और माइनस करके क्या है 3, जो यहाँ पे साइन होता है वही हमें देखना होता है, माइनस करके क्या है 3, सो दैट इज 15 एंड 12, 15 इंटू 12 इज़ 180 एंड 15 एंड 12, 15 माइनस 12 इज 3, ओके। सो 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह क्या लिख दो, 15 माइनस 12 x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। आफ्टर दैट सो अब क्या करना है, हमें इनमें से कॉमन लेना है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 15x में से कॉमन क्या आ सकता है, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है x, ओके। तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 15,
ऐसे ही माइनस 12x माइनस 91 से कॉमन क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो 6 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 15। अब प्लस क्यों आया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो प्लस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाली टर्म, ये वाली, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाय 2, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना x, तो और आर्टिकल्स निगेटिव तो नहीं होंगे, सो वैलिड वैल्यू क्या है जो पॉजिटिव है, दैट इज 6। सो आंसर इज 6। सो क्वेश्चन इज कम्प्लीट हेयर। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.3, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है जो हमारे सिलेबस से कट हो गया टर्म टू के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.4। सो जब के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।